उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है, नीलकंठ बनकर मंथन की कीमत भरनी पड़ती है, बनकर विश्वामित्र राष्ट्र का रक्त जगाना पड़ता है, राम और लक्ष्मण से महलों को छुड़वाना पड़ता है। इसीलिए करो, तक्षक इंद्र सहित आह्वान करो। आस्तिक मुनि ने रोका था। सौनक आदि ऋषि पूछते हैं सुत जी महाराज से कि प्रभु गुरुदेव ऐसा कैसे हो गया, किसने रोका उस यज्ञ को, आस्तिक वो कौन थे? वो तो जरतकारों के पुत्र थे, और ये जो नाग यज्ञशाला के हवन कुंड में आकर गिर रहे हैं ये कैसे थे? ये तो अपनी माता के द्वारा शापित थे, कश्यप की भारिया है कद्रु और विनीता, सर्पों की माता है कद्रु और गरुड़ महाराज की माता है विनीता, दोनों सौत हैं। शर्त लग गई। कद्रु ने कहा बताओ ये घोड़ा काला है या सफेद, विनीता ने कहा वो सफेद है। कद्रु ने अपने पुत्रों से कहा इस श्वेत घोड़े पर लिपट जाओ, इसे काला कर दो, क्योंकि मैं अपनी सौत को पराजित करना चाहती हूं। जिन्होंने माता की आज्ञा नहीं मानी, कद्रु ने कहा जाओ जनमेजे के यज्ञ कुंड में गिरकर भस्म हो जाओ। और कुछ थे जिन्होंने माता की आज्ञा मानी और उस घोड़े पर लिपट गए। अब देखा विनीता ने, श्वेत नहीं घोड़ा तो चितकबरा है, कहीं से काला है कहीं से लाल है, पराजित हो गई। क्या करूं आपकी सेवा, हमेशा मेरी वाहन बनी रहो, मुझे कंधे पे उठा के ले जाओ, वापिस लाओ। विनीता दुखी हो गई। गरुड़ ने कहा कि मेरी माता होकर आप तेजहीन क्यों हो गई, मैं तेरी भी माता की दासी हो गई हूँ गरुड़ राज, कैसे सुख पाऊंगी। अरे विनीता को कहीं, अगर आपको ये काम करना है ये कार्य तो मैं करूंगा। कद्रु से बोले माते आपको जहां जाना है वहां मैं ले जाऊंगा, आप अपनी इच्छा व्यक्त करो, मुझे तो स्वर्ग का अमृत चाहिए। तब गए थे गरुड़ जी स्वर्ग से अमृत लेकर, और देवताओं के साथ उनका युद्ध हुआ था, वही अमृत कलश की बूंदे जहां जहां गिरी आज भी भारत की भूमि पे वहां पर महाकुंभों के आयोजन होते हैं। उस निश्चित तिथि पर वो अमृत भारत की उन नदियों में प्रकट हो जाता है, गंगा में यमुना में छिप्रा में नासिक और उज्जैनी और प्रयागराज और हरिद्वार। वे जो कलश था अमृत का, उसको जब सर्पों ने चाटा कुशा के ऊपर, तब से सर्प की मानते दो जीवा हो गई कुशा से कटने के बाद। लेकिन मेरी माता बंधन से मुक्त हो गई, एक पुत्र को इससे बढ़कर और प्रसन्नता कुछ नहीं हो सकती। और ये जो जरतकारु थे इन्होंने भगवती परांबा की आराधना की थी, मैं ऐसा पुत्र चाहता हूं जो विजयी हो, हृदय के अंदर शुद्ध भाव रखे, तो फिर ऐसी स्त्री से विवाह करना जो तुम्हारे ही नाम की होगी। वो थी जरतकारु, वो थी वासुकी की भगनी जिसके साथ जरतकारु जी का विवाह हुआ था। अपनी जाति का उद्धार करने के लिए, तक्षक को बचाने के लिए संकल्पित होके जरतकारु अपने पति देव का पाणी ग्रहण करती है, और संध्या की बेला पति गोद में सिर रख के सो रहे हैं। हमारे यहाँ चार चीजों को पाप मानते, सोते को जगाना, और जब पुत्र माँ का दूध पी रहा हो उसमें बाधा डालना, और जब पति पत्नी प्रेम प्रसंग में हो तो उसमें विघ्न डालना, जब सदगुरु शिष्य के बीच संवाद हो रहा हो उसमें बाधा डालना। संध्या हो रही है, सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं, अगर पति देव को जगाऊंगी नहीं तो इनकी संध्या वो भंग हो जाएगा नियम, और अगर अगर नहीं जगाया तो
तो ये हो जाएगा, और अगर जगा दिया तो शायद मैं इनके कोप का भाजन बन जाऊंगी। जरतकारू को जगाया जरतकारू ने, पत्नी ने, तो जरतकारू उठे जाओ, अपने भाई वासुकी के घर लौट जाओ। जरतकारू अब तुम्हारी मेरे घर में जरूरत नहीं है। जरतकारू चरणों में गिर गई, प्रकंपित हृदय से बोली कि आपका पाणी ग्रहण आपने मेरा किया, प्रयोजन तो पूरा ही नहीं हुआ। मैं तो आपसे ऐसा पुत्र चाहती थी जो उद्धार करता हमारी जाति का। तब जरतकारू ने पराम्बा भगवती की आराधना की, और उसके बाद उनको पुत्र हुआ जिसका नाम आस्तिक रखा गया। यही वो आस्तिक थे जिन्होंने जनमेजे के उस नाग यज्ञ को रुकवाया था। बहुत सुंदर अद्भुत कथा आती है सद्युम्न की, जो इला हो गए थे। जानते हो आप, ऐसी प्रदेश में चले गए थे जहां पर पार्वती और शंकर का विहार होता था। शंकर ने निश्चित किया था इस वन में जो आएगा वो स्त्री हो जाएगा। तो सद्युम्न वो जिस घोड़े पे चढ़े थे, सारे सेवक सैनिक स्त्री हो गए थे, इला बनकर ये रह गए थे, और बहुत चित्त में क्षोभ पैदा हुआ था कि मैं स्त्री हो गया पुरुष होकर। इसका दूसरा अर्थ भी है कि हम कभी भी अपने स्वभाव से जब च्युत होते हैं तब बेचैन हो जाते हैं। अपने स्वरूप में ही रहना हमें शोभा देता है, और जब जब आप अपना स्वरूप छोड़ो तो आपका स्वरूप क्या है देवियों? सत्य चित्त आनंद। इसलिए जब आप क्रोध में होते हो तो बेचैन हो जाते हो। अगर मैं कहूं 2 मिनट क्रोध में रहो तो भेजा फट जाएगा, 24 मिनट क्रोध में रह सकते हो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, और 24 घंटे तो कल्पना नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर मैं कहूं प्रीत में, प्रेम में, स्नेह में, करुणा में, शील में रहो, तो आपको 24 मिनट 24 घंटे नहीं, 24 साल नहीं, पूरा जीवन आप उस प्रीत में, प्रेम में, स्नेह में, सत्य चित्त आनंद आपका स्वरूप है। तो अपने स्वरूप में लंबे समय तक टिका जा सकता है, विजातीय के साथ लंबे समय तक रह सकते हो। तो क्रोध विजातीय है, लोभ विजातीय है, अहंकार सजातीय नहीं है, ये विजातीय तत्व है। सद्युम्न बहुत उद्विग्न है क्योंकि वो अपना स्वरूप खो चुके हैं। हम भी बहुत उद्विग्न है क्योंकि हम भी अपने स्वरूप से वंचित होकर रूप के चक्कर में पड़ गए। रूप क्या है? देह का। रूप क्या है? बुद्धि का, मन का। लेकिन हम रूप नहीं है, हम तो स्वरूप है, जो रूपों का प्रकाशित है, जो मन का प्रकाशक है, जो बुद्धि का प्रकाशक है, हम वो हैं। इसलिए मेरे सद्गुरुदेव युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज घोष करते हैं कि काहे रोवे मनुआ, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है और परमानंद है। तुम क्या हो? परमानंद हो। तुम नित्यानंद हो, तुम सहजानंद हो, तुम आनंदानंद हो, तुम करुणानंद हो। ठीक है ना? तुम कहते हो दीदी माँ, आप कहते हो हम आनंद है, हम तो यह दुख है, दुश्चिंता है, द्वेष है, छाती जलती रहती है, ईर्ष्या मन में उमगती रहती है। तो ये तो मन का स्वभाव है, ये तो बुद्धि का विचलन है। सद्युम्न आराधना करते हैं माँ भगवती की, पराम्बा मेरी मेधा में समा जाओ, मुझे स्वरूप में विराजमान कर दो। यहाँ शंकर भगवान की आराधना की तो उन्होंने व्यवस्था दे दी कि 1 महीना स्त्री रहो, 1 महीना पुरुष रहो। बेचारे समतावादी है ना हमारे शंकर भगवान, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता स्त्री हो या पुरुष। अब सद्युम्न 1 महीना अंतापुर में रहेंगे और 1 महीना राजकाज चलाएंगे, ये भी कोई जीवन होता है? माँ मुझे मेरा स्वरूप दो, ये बोध कथा है माताओं। हम सब तब तक बेचैन हैं जब तक अपने स्वरूप में नहीं विराजमान। इसलिए अपने स्वरूप में विराजो। ये इंदौर की नगरी है, मेरे दादा गुरु ब्रह्मचारी परिव्राजकाचार्य अखंड ब्रह्मचारी स्वामी अखंडानंद जी महाराज के चरण चिन्हों से इंदौर की धरती धन्य हुई है, जिनके शिवो हम सो हम के घोष स्वरूप में स्थित कर ले। भजन करो भाई, स्वरूप का भजन करो। और ये तो आप जानते हो ना, जिसका भजन करते हो वैसे हो जाते हो ना।
तो उसने कहा कि तुम स्कूल में अपने क्लास में बैठे हो, तुम्हारा चित्त इधर उधर होता रहता है, क्या सोच रहे हो? कहते गुरुजी क्या करूं, बैल की सोच रहा हूं, हमारा बैल बीमार है तो मुझे बैल का विचार आए जा रहा है। तो मास्टर बोले जा बाहर चला जा पेड़ के पास, बैल के बारे में सोच, और जब तक पूरा नहीं सोच लेगा ना तब तक यहाँ आना मत। वो तो 7 दिन बैल के बारे में सोचता रहा, 7 दिन।